नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जिसमें आज हम बात कर रहे हैं हाथरस की दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की जो वकील हैं उनके साथ बात करेंगे। सीमा स्मृति कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवजीवन नष्ट हर्ड और कौमी आवास पर। जी नमस्कार सर, थैंक यू जी। हाथरस कांड को लेकर तरह तरह की बातें शुरू से, जिस दिन से ये घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तब से लगातार होती रही है। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, और इन सब बातों और दावों के बीच में ऐसा लगता है कि असली कहानी या असली बात जो है, असली घटना, वो शायद कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले इसके अंदर तमाम लीपापोती करने की कोशिश की, जैसा कि सब जानते हैं, मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ और अंततः एक SID बनाई, फिर फाइनली CBI के हवाले जांच कर दी गई। इसी बीच हम दर्शकों को बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के आला अफसरों को तलब किया और विक्टिम फैमिली को भी बयान देने के लिए बुलाया। विक्टिम फैमिली की तरफ से सीमा कुशवाहा जी ने उनका प्रतिनिधित्व किया। सीमा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हाथरस का पूरा मामला है, इसको लेकर आप चूंकि एक हेयरिंग में इलाहाबाद हाई कोर्ट में और एक हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी हैं, आपने मांग की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि इस केस की सुनवाई दिल्ली शिफ्ट कर दी जाए, जिससे सुनवाई में आसानी होगी और निष्पक्षता की गुंजाइश रहेगी। आपकी सबसे पहला सवाल, आपकी ये मांग क्यों थी और आपको हेयरिंग के दौरान वो जो सेंस ऑफ द हाउस होता है वो क्या लगता है? देखिए, हेयरिंग के दौरान अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो मैं सैल्यूट करती हूँ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को कि उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया इस केस में, जहाँ पर कि पीड़िता का कोई भी पक्ष सुनने को तैयार नहीं था। स्टार्टिंग से ही सर, जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश जो भी पुलिस है उसकी जो भी उसका जो व्यवहार था पीड़िता के परिवार के प्रति, शुरू से वो संदिग्ध रहा है। इसलिए क्योंकि पहला जो उस पीड़िता का स्टेटमेंट है उसके आधार पर FIR लॉज नहीं की गई, जबकि जब मैं वहां पर गई थी जिस दिन हमारी काफी हॉट टॉक हो गई ADM के साथ में, तो DM साहब जो वहां के हैं वो मुझे दिखा रहे हैं वीडियो कि मैडम आपको सच्चाई पता है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए। हालांकि ये मैटर हम 20 सितंबर से ही फॉलो कर रहे थे, जो कि मेरा रूटीन वर्क है। अदर मैटर्स फॉलो करते हैं हम, क्योंकि अपना एक ट्रस्ट चलाते हैं कि यहाँ पर अगर ये क्राइम हुआ, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती, तो 20 तारीख से मैं फॉलो कर रही थी इस मैटर को, तो मुझे अपडेट मिल रही थी इसके, और मैं जाने वाली थी उस पीड़िता से मिलने हाथरस। तब तक मुझे पता चला कि वो उनको रेफर कर दिया गया है यहाँ पर सफदरजंग, तो मैं नेक्स्ट डे सफदरजंग मॉर्निंग में मिलने जाने वाली थी। इत्तेफाक से पता चला कि उनकी डेथ हो, तो मैं मिल नहीं सकी उनसे। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई हाथरस में और वो वीडियो देखा जिसमें वो खुद बोल रही हैं कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई और जब मैंने अपना बचाव किया तो मेरा गला दबा दिया, उस वीडियो को ये लोग उसके आधार पे लॉज नहीं कर रहे, लेकिन जो उसका ब्रदर है पीड़िता का, जो बात भी नहीं कर पाया अपनी सिस्टर से कि उसके साथ एडजेक्टिव हुआ क्या है, उसने सिर्फ गले का निशान देखा और उसके आधार पे बता दिया कि ये जल्दबाजी में एक उसने हार्डली 50 वर्ड्स में एक कंप्लेन लिख दी। पुलिस ने कहा आप लिखिए, उसने कहा मुझे लिखना नहीं आता, कहते जो मर्जी हो लिख दीजिए, उसने लिख दिया। बेचारे ने उसको इन्होंने FIR में कन्वर्ट कर दिया और बिना पीड़िता से बात किए, जो कि पुलिस स्टेशन में लेटी हुई। तो कितनी नेग्लिजेंसी है, ये तो सीधे सीधे क्राइम है। इसमें तस्लीम सर हम देखेंगे कि जब 376 सेक्शन स्टार्टिंग में ही इन्होंने FIR में नहीं लगाया तो उस आधार पर इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन 376 के आधार पे नहीं हुआ, इसीलिए इन्होंने मेडिकल भी नहीं कराया उसका कि इसके साथ रेप किया गया पीड़िता के साथ, और जब मेडिकल नहीं कराया तो वहां पर कोई भी उसका जो भी मेडिकल में सबूत आते, जो भी डायग्नोज होता, वो नहीं हो पाया। और बाद में जब पीड़िता जब नॉर्मल हुई, उनको होश आया, उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट क्या क्या हुआ था,
उसके बाद जब 376D लगाया गया उसके बाद 26 को सैंपल लिए जा रहे हैं। 14th ऑफ सितंबर का क्राइम है, 26 को सैंपल लिए जा रहे, तो वहां पर सब कुछ खत्म हो चुका था। यानी जो, जो 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 टाइम लैप्स हो गया घटना से होने से लेके और बाद तक जब तक मेडिकल कराया गया, तो उसमें ये माना जाएगा कि शायद उसमें सबूत नष्ट हो सकते थे। वो गए सर, वो नष्ट नहीं हो सकते थे। बेसिकली जो उत्तर प्रदेश के डीआईजी सॉरी जो प्रशांत जी थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशांत जी थे, उनका हम सब ने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाँ। कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ क्योंकि सीमन नहीं पाया गया। सर 14th ऑफ सितंबर से लेकर के 22nd तक कितना डेट हो गया? मैं यहाँ सीमन जी एक बात पूछना चाहूंगा, आपने अच्छा याद दिलाया कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो बयान आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, क्या एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बिना जांच पूरी हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, और इसको लेकर के फटकार भी लगाई है माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने कि आपको एक तो 2013 का जो लॉ है उसको पढ़ लेना चाहिए, जिसको अमेंड कर दिया गया कि सीमन का पाया जाना कंपलसरी नहीं है रेप मैटर्स। तो आप एक तो उसको पढ़ के आते, अगर आप स्टेटमेंट देने ही आ रहे, अगर आपको ये लग रहा है कि डिफरेंट तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है, तो उसको आप उन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ऑथेंटिक बातें बोलिए, रेलेवेंट चीजें बोलिए, जो भी अप्रोप्रिएट लॉ है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उस पर बात कीजिए। आप बात कर रहे हैं 2012 से पहले की, 2013 से पहले की, जब लॉ में अमेंड नहीं किया गया था। तो आप सोचिए सर कि एक जो ऑफिसर इस लेवल का है, इस रैंक का ऑफिसर है, अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है बचाव के लिए, ये तो एक्यूज का फेवर कर रहे हैं। एक्यूज का फेवर करने का मतलब है सर, हम सबने देखा कि नैरेटिव उनके फेवर में बना है। वो तो मैं बार बार मीडिया में आकर के मैंने ये चीजें बताई कि पीड़िता ठीक है, उसके ब्रदर ने क्या लिखा, उसकी मदर ने क्या बोला, उस पर मत जाइए। जो एक्चुअल में विक्टिम है उसका स्टेटमेंट को आप आधार बना करके एफआईआर लॉन्च करते। अच्छा, तो वैसा नहीं हुआ। आपने कोर्ट से मांग की है कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली में कराई जाए, उत्तर प्रदेश से बाहर कराए, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा आप क्यों चाहती हैं? देखिए ये सर मैं नहीं चाहती हूँ, एज ए अगर इंडिविजुअल बात करें तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए लॉयर मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये डिमांड परिवार की, मैं परिवार को रिप्रेजेंट कोर्ट में कर रही हूँ। परिवार का कहना है कि हमें यहाँ पर उम्मीद नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से जिस तरीके से पुलिस की नेग्लिजेंसी रही है, सही सेक्शन में एफआईआर लॉन्च नहीं किए गए, देन उसके बाद सर जिस तरीके से पीड़िता को रात में जला दिया गया केरोसिन डाल करके, उस परिवार के बेसिक जो ह्यूमन राइट्स थे कि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने का, या उसका वायलेशन हुआ, और वो जो बेटी जो इस दुनिया में नहीं है उसका आफ्टर डेथ एंड बिफोर डेथ दोनों टाइम सर उसके फंडामेंटल राइट एडजस्ट करते हैं। और ये कि अभी भी ये कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच का वर्डिक्ट है, मद्रास हाई कोर्ट की, कि कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना से भी पीड़ित है तब भी उसको प्रॉपर तरीके से उसके जो संस्कार जो भी है उसके तहत उसको दफनाया जाएगा। और आपके यहाँ ऐसा क्या ऐसा इशू आ गया कि आपने इस तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया? तो क्वेश्चंस तो संदिग्ध रही है शुरू से पुलिस की जो भी मतलब इस मामले को लेकर के, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो, एफआईआर लॉन्च करने का हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट हो, डीएम का हम सभी ने स्टेटमेंट देखा कि आपकी बेटी अगर कोरोना से मर जाती तो क्या इतना कंपनसेशन, मतलब ये एग्जैक्टली सर इनसेंसिटिव के साथ साथ, देखिए सर स्टेटमेंट ये इनसेंसिटिव है लेकिन इसके पीछे का अजम्पशन क्या होगा जो वो ये दे रहे हैं, उसके पीछे का जो उनका अजम्पशन होगा, पुअर फैमिली है, शेड्यूल कास्ट फैमिली है, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। कोर्ट ने भी सर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने भी उनसे बोला कि प्रशांत जी लॉ एंड ऑर्डर अगर आपकी बेटी होती इस जगह पर तो आप क्या करते, ठीक है, और ये भी बोला कि अगर ये बेटी किसी बहुत ही रिच फैमिली की होती तो क्या रात में इस तरीके से जलाने की आप हिमाकत करते? तो वही सर मैं बात बोल रही हूँ कि जो डीएम स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या ये इस तरीके का स्टेटमेंट देने का हिमाकत करते अगर वो परिवार उस जगह का उस सोसाइटी समाज से ना आने वाला हो, तो वो इनका सर जी
सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया सुनवाई के लिए, तो वहाँ एक चीज देखी गई सीमा जी कि उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने, अक्यूज के वकीलों ने ये कहा, ये तो माना कि आप उनकी वकील है पीड़ित परिवार की, ये एंडोर्स किया, लेकिन साथ ही ये कहा कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी विक्टिम फैमिली को दिया जाए। इसके पीछे क्या घालमेल देखती है? नहीं नहीं सर, इसमें घालमेल नहीं है, इसमें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं उस दिन पीड़ित परिवार के घर पर ही थी, जिस दिन वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लिखाने आए उनसे कि आप मुझे रिटर्न में दीजिए कि आपका एडवोकेट कौन है। तो उनका कहना है कि सीमा मैम वो मुझे लिखवाने आए, तो मैंने उनको बोला कि आपने मुझे वकालतनामा मेरा साइन कर दिया है, मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से भी आपको एक वकील प्रोवाइड करवाया जाए, राइट। तो ये मेरे कहने पर उन्होंने वो लेटर लिखा परिवार ने, और वो लेटर सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में वो PIL थी, PIL किसी विक्टिम परिवार की तरफ से नहीं था, तो लोकस उनका नहीं था, इसलिए वो जो लेटर था, जो रिटर्न में स्टेटमेंट दिया था उस परिवार ने, वो कोर्ट में पढ़ा गया। और जब वो माननीय जो सर हैं वहाँ पर तुषार मेहता जी, उन्होंने उसको पढ़ा कि ये इनके एडवोकेट हैं और इनका कहना है कि सरकारी वकील भी दिया जाए, लेकिन PIL में सर कोई सरकारी वकील नहीं होता है, अमाइकस क्यूरी होते हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी अमाइकस क्यूरी अपॉइंट किए गए, लेकिन वो विक्टिम को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, वो लॉ की जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है वो कोर्ट की हेल्प करते हैं, चाहे वो विक्टिम के साइड से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के साइड से हो, बेसिकली एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एग्जैक्टली न्याय मित्र बोलते हैं, न्याय मित्र उनको इसीलिए हिंदी में कहा जाता है। अच्छा आप सीमा जी, आपने निर्भया केस को रिप्रेजेंट किया और बहुत शानदार तरीके से आपने उस केस को लड़ा, और अंततः आरोपियों को, जो दोषियों को अब हम कह सकते हैं, दोषियों को फांसी की सजा हुई। लेकिन निर्भया केस में एक बात स्पष्ट थी कि दिल्ली पुलिस ने उस केस में, हम कह सकते हैं आज के, काफ़ी शानदार काम किया था, बहुत तेज़ी से काम किया था, और समय रहते ना सिर्फ दोषियों को पकड़ा गया बल्कि एक चार्जशीट अच्छी तैयार की गई, जिसके आधार पर वो कहीं पर भी उनको बचने का मौका नहीं मिला और वो अपने अंजाम को पहुंचे। हाथरस केस में चूंकि पहले ही दिन से स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार भी मामले को रफा दफा करने या लीपापोती करने की कोशिश कर रही, ऐसी स्थिति में मुकदमे को एक सही अंजाम तक पहुंचाने में और पीड़िता को इंसाफ दिलाने में कितनी मुश्किल आ सकती है? बिल्कुल सर, मुश्किल आएगी नो डाउट इस केस में, लेकिन हाँ SIT गठित की गई है और CBI भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और अगर ये जो भी इन्वेस्टिगेशन है ये फेयर हो गए तो शायद नहीं उतनी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में जिस तरीके से फैक्ट टेम्पर किए गए हैं, पीड़िता का जो भी स्टार्टिंग के स्टेटमेंट के आधार पर FIR लॉज नहीं हुई है, उससे डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि सर कोई भी केस जो है वो कोर्ट में बाद में जाता है, प्राइमरी लेवल पे उसमें क्या क्राइम हुआ है तो मेडिकल विद इन अ पीरियड, विद इन अ टाइम 24 आवर्स, 72 आवर्स में होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे क्राइम में पीड़िता का स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ है, इस केस में चीजें बहुत टेम्पर की गई हैं, जो भी पुलिस है उसने मैनिपुलेट करके चीजें करने की कोशिश की, मैनिपुलेट किया, तो इतना आसान नहीं होगा। देखिए सर, निर्भया केस में क्या था कि शुरुआत में जो पुलिस का वर्क था वो बहुत अच्छा, और उन्होंने विद इन अ पीरियड चार्जशीट फाइल की, विद इन अ पीरियड उन एक्यूज जो भी थे, जो कन्विक्टेड थे, उनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो निर्भया केस में हमें सिस्टम से कोर्ट में, या हम कहेंगे PP है, या वहाँ पर कोर्ट में जाकर के लिस्टिंग के लिए फाइट करना, जो डिले हो रहा था हमें उसके लिए फाइट करनी पड़ी, हमें प्राइमरी लेवल पे फाइट नहीं करनी पड़ी थी। यहाँ पर सर हम पुलिस से भी फाइट कर रहे हैं, हम सिस्टम से फाइट कर रहे हैं यहाँ, यानी सबसे पहले यही साबित करने की कोशिश करना पड़ रही है कि अपराध हुआ है। एग्जैक्टली सर, हमें प्राइमरी लेवल पे ही यहाँ फाइट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अभी जो भी हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है उसमें DM अपना पक्ष रख रहे हैं, पुलिस अपना पक्ष रख रही है, वहाँ पर वो अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके वजह से पूरा ये मैटर, अगर इतना लोग कहते हैं कि हाईलाइटेड मैटर है सर, रात में 2:30 बजे एक बेटी को आप जला दे रहे हो, उसके परिवार का उसको चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, जब सफदरजंग
हॉस्पिटल्स में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, उसके बाद डेड बॉडी उनके परिवार को हैंडओवर नहीं की जाती है, ये किस तरीके का पूरा माहौल इन लोगों ने बनाया हुआ था। तो उस पर जब प्रश्न उठा सर, तब हाईलाइट हुआ मैटर, उससे पहले तो नॉर्मल ही चल रहा था। तो ये नेग्लिजेंसी किसकी थी? पुलिस की थी। क्राइम कौन कर रहा था? यहाँ पुलिस कर रही थी। वो एक्यूज ने क्राइम किया, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर सिस्टम ने भी क्राइम किया। तो अब हमें सिस्टम से लड़ना है, और उस सिस्टम से लड़ना है जिसको सारे सबूत भी पेश करना है एक्यूज के खिलाफ में। तो ये लड़ाई हमारे लिए डबल है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ एक्यूज के खिलाफ आपको आरोप पुख्ता तरीके से सामने रखने, साथ ही चूंकि सिस्टम की लापरवाही बहुत बड़े पैमाने पर, एक सिस्टम से भी लड़ना। सीमा जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने एक नया कानून ड्राफ्ट किया जो मंजूर भी हुआ संसद से, और वो आज की तारीख में अमल में भी है। उसके बाद से जो हालात बने हैं बलात्कार और बलात्कार हत्या के मामले में, तब चूंकि पुलिस ने एक अच्छी चार्जशीट तैयार की थी और नया नया कानून बना था, तो अदालतों ने उसका अच्छे से संज्ञान लिया। आपको क्या लगता है, इन बीते 7-8 सालों के दौरान वो जो एक संवेदनशीलता थी ऐसे मामलों को लेकर, मैं सामाजिक बात भी कर रहा हूँ, न्यायिक स्तर पे भी और कार्यपालिका के स्तर पर भी, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड सोसाइटी एंड जुडिशरी सब में ही एक हल्का सा क्या लचीलापन आ गया है ऐसे मामलों को लेकर? सर, आपने एक बात अभी बोली कि जब वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन आए उसके बाद कोर्ट्स ने इनिशिएटिव लिया। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है सर, कोर्ट्स ने नहीं लिया, कोर्ट ने लिया। मुझे निर्भया केस में ही मुझे समझ में आया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चला वो केस, फिर भी सर 7 ईयर लगे। तो इस ये केस भी, निर्भया केस भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। इसमें आप सर देखेंगे कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हो, उन्होंने शुरुआत में सपोर्ट किया शुरुआत में, और उसके बाद सभी तो साइलेंट थे सर। एक बार जब हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डेथ सेंटेंस उनको अवॉर्डेड किया गया, वहां पर एक न्यूज बनी छोटी सी, उसके बाद हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, देन आफ्टर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। सर भागते भागते सिस्टम से फाइट करते करते जुडिशरी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था इस केस को यहाँ तक पहुंचाने में। तो सर इस केस में भी उतना इनिशिएटिव नहीं लिया गया, वो चाहे वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन हो, हमारे आईपीसी में जो भी हमारा रेप लॉ है उसमें अमेंडमेंट किया गया, हमारा पोक्सो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, लेकिन सर इन्फोर्समेंट नहीं। अगर इन्फोर्समेंट होता तो शायद ये निरंतर इस तरीके के जो क्राइम हो रहे वो नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे पास, हमने सर वर्मा कमेटी की अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो कुछ कानून तो लागू हो गए, रेप लॉ है, अदर जो भी है, लेकिन उसमें जो एक इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो ऑथराइज्ड है एफआईआर लॉज करने के लिए, प्रॉपर सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर वो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट भी एफआईआर लॉज होगी और उसका भी ट्रायल होगा, कन्विक्शन होगा, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। इसीलिए चाहे वो हाथरस केस हो या अदर, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, इसमें क्या है कि सर ज्यादा से ज्यादा एक चीज होती है, सस्पेंड कर दिया जाता है, टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, कोई भी ऑफिसर नेग्लिजेंसी दिखाता है या पैसे ले लेता है या गलत एफआईआर लॉन्च करता है, लेकिन उसका कन्विक्शन नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन लागू हो, कि जब ऑफिसर्स जो भी ऑथराइज्ड हैं उनको लगेगा कि हमारा भी ट्रायल हो सकता है, हमें भी पनिश किया जा सकता है, तो डेफिनेटली वो अच्छा वर्क करेंगे। तो सर जो आप कितना भी लॉज बना लीजिए, अगर उसके लिए आपने मशीनरी नहीं बनाई है जिसको वर्क करना है, और उस मशीनरी को आपने एक्टिव नहीं किया, सेंसिटिव नहीं बनाया, उसको आपने मॉनिटरिंग नहीं सिखाई टेक्नोलॉजी की, तो फिर उसका आउटपुट ऐसा ही निकलेगा जैसा सर हमारे सामने है। 7 ईयर होने के बावजूद भी आज सर इस तरीके के केसेस का रेशियो बढ़ा ही है। 5 महीने की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 14 साल की बच्चियां, कितना, और वो भी सर गैंग रेप। तो इसमें अभी तक मुझे लगता है कि जैसे वर्क होना चाहिए था। और सर देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है, आप उसका इन्फोर्समेंट नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि आपकी मशीनरी ठीक नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो निष्क्रिय है, वो सेंसिटिव नहीं है, तो फिर उसका जब इन्फोर्समेंट नहीं होगा तो डर भी नहीं है। जब डर नहीं है तो आप कितने भी कानून बना लीजिए, और जब डर नहीं है,
लोगों का सिर्फ दो तरीके से माइंडसेट चेंज होता है, या तो डर के वजह से, या वो मोरलिटी, उनके इथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है सोसाइटी के लेवल के लोगों की आपने मानसिकता इतनी बदल ली है कि वो ऐसा क्राइम ही ना करें। लेकिन सर उस लेवल पे भी हम पूरी तरीके से फेल हैं। कितने लोगों की मानसिकता बदली है सर, आप सोचिए कि आप बात करते हैं, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है, पूरे में भारत की बात कर रही हूँ, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार, आप बहुत सारे प्लानिंग चला रहे हैं महिलाओं को सशक्त करना है। आज की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वो पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। निर्भया भी इम्पावर्ड थी, दिशा रेड्डी भी इम्पावर्ड थी, कितनी सारी बेटियां। लेकिन इसको जो जेंडर इस पे अटैक कर रहा है उसको सेंसिटिव बनाने की जरूरत है, उसके लेवल पे आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बेसिकली हमें सिस्टम से लड़ना है, पैट्रियार्की से लड़ना है, समाज की मानसिकता से लड़ना है। सीमा जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपने जिस कामयाबी के साथ निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया, अगर हाथरस कांड के आरोपियों ने अपराध किया है तो हम उम्मीद करेंगे कि उनका अपराध साबित हो और उन्हें उनके किए की सजा मिले, हाथरस की बेटी को इंसाफ मिले। और इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम सेंसिटिव हो महिलाओं के प्रति, खास तौर से उस तबके की महिलाओं के प्रति जिनकी समाज में वैसे ही बहुत कम सुनी जाती है। हाथरस केस में हमें पता है कि परिवार बहुत वेल ऑफ नहीं था, परिवार एक निचली जाति से आता था, तो तमाम जो सोशल टैबू हैं उस परिवार के साथ जुड़े हुए। हम उम्मीद करें कि पुलिस प्रशासन हो या आप सरकारी स्तर पर हो या शासन हो, ये सारे लोग संवेदनशील हो और इस केस की भी कभी अंजाम अपने एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां लोगों को एक सबक भी मिले, सीख मिले और उनके अंदर संवेदनशीलता है। सीमा जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामना है कि आप इस केस को कामयाबी के साथ लड़े और ताकि दुनिया को सच पता लगे और जिन्होंने अपराध किया है उनको सजा मिले और जिस बेटी की जान गई है उसको इंसाफ मिले, उनके परिवार को इंसाफ मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।